तो ये देखो लाइट यही है LG का, ओरिजिनल है। ओरिजिनल कैसे पता करेगा बता दो थोड़ा। यहाँ देखिए स्कैन करने के लिए दिया हुआ है QR, यहाँ पे स्कैन कीजिए, कोई भी UPI जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फोन पे मत कर देना बस। तो ये रहा दो पत्ती, और ये पत्ती आप लोग कोशिश कीजिएगा छोटा बनाने का, क्योंकि फ्लेम्स है वो जो फॉगलाइट के साथ मिलता है वो हम लोगों ने लगा लिया, तो इसका फॉगलाइट है वो ऑन करके दिखा रहे हैं आपको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर यू मोटो ब्लॉग्स। तो आज का जो टॉपिक है वो 390 के ऊपर में है, और आज 390 जेन 3rd में आज हम फॉगलाइट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और कौन सा फॉगलाइट है वो अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको गाड़ी दिखा देते हैं, ये रहा गाड़ी बाइक जो कल ही हम इसका सर्विस करके आए, मतलब सेकेंड सर्विस। तो सेकेंड सर्विसिंग इसका हो गया है, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा वो कितना कॉस्ट पड़ा सेकेंड सर्विस में। तो फ्रंट में हम कहाँ इंस्टॉल करेंगे वो हम अभी समझ में नहीं आ रहा। एक यहाँ पर भी बहुत लोग यहाँ पर लगाते हैं नंबर प्लेट के नीचे, और एक देखें नीचे में यहाँ पे इस जगह हेडलाइट के नीचे। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और जहाँ भी लगेगा आप क्लेम बना के मतलब जुगाड़ करके इंस्टॉल करना होगा। और ये क्या दिखा रहा है बार बार यार, ये लाइट दिखा रहा है लाइट। तो ये देखो लाइट यही है LG का, ओरिजिनल है। ओरिजिनल कैसे पता करेगा बता दो थोड़ा। यहाँ देखिए स्कैन करने के लिए दिया हुआ है QR, यहाँ पे स्कैन कीजिए, कोई भी UPI जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फोन पे मत कर देना भाई। हमें स्कैन करना है तो आप लोग को इसका जेन्युइन पार्ट पता चल जाएगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं। हाँ तो देख लो ये, तो इसका कॉस्ट हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए हम अभी कोई वेल्डिंग शॉप जाएंगे, वहाँ पे एक दो क्लैंप बनाना पड़ेगा मतलब लगाने के लिए फॉगलाइट को। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस जगह पे इंस्टॉल करेंगे, ऊपर या नीचे करेंगे। तो मतलब वीडियो बनी रहिएगा। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, दुकान जा रहे हैं, देखो यानी चला रहा है बाइक। और ये रहा, अभी हम लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। तो कहाँ पे दुकान है भाई? थोड़ा सा आगे है रिंग रोड। नहीं तेरा बाइक आगे, ये रहा 250 अनिल वाला। हम लोग देखो रॉन्ग साइड में अभी क्रॉस कर रहे हैं। रिंग रोड में है क्या दुकान? रिंग रोड। तो जो दुकान है वो रिंग रोड में है, और अभी हम लोग रिंग रोड ही जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे दुकान देखा है, वहीं पे ही काम कराता है, वहीं जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे वेल्डिंग शॉप, और ये रहा बाइक। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो क्लेम्प बनवा रहे हैं, और यहाँ पे अभी उसको दो क्लेम्प हैं उसको होल बड़ा कर रहे हैं। दुकान पहुंच गए हैं जहाँ पे अनिल जहाँ सारा काम करता है, और अभी आपको दिखा रहे पत्ती, ये रहा दो पत्ती दिखा रहे हैं आपको। तो ये रहा दो पत्ती, और ये पत्ती आप लोग कोशिश कीजिएगा छोटा बनाने का, क्योंकि दिखा रहे हैं अभी आपको जो हम लोग पहले सोचे थे इस जगह पे मतलब लगाने का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर जगह ये मतलब हेडलाइट के ऊपर आप कभी भी लाइट नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, और ये मतलब रोल में नहीं है और ये पुलिस पकड़ सकती है, तो इसलिए हम हेडलाइट के नीचे इसका प्लेसमेंट कर रहे हैं। और किस जगह कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो आप दो नट देख रहे हो, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक क्लेम्प बना के इसको यहाँ पे फिट करेंगे दोनों साइड। और देखिए यहाँ पे है, इतना नीचे आएगा ये लाइट, और ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो आप क्या करेगा कि अगर मडगार्ड में सट सकता है इस जगह पर, क्योंकि ब्रेकर वगैरह जर्क करेगा तो फिर ये सट सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए छोटा ही बना दीजिएगा। तो हम लोग को इसके लिए अभी क्या है ना मतलब अभी क्या करना होगा, हेडलाइट को हम लोग को निकालना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। तो अभी चलिए फटाफट हेडलाइट को निकालते हैं फिर दिखाते हैं आगे। तो देख सकते हैं हेडलाइट खुल चुका है, और हेडलाइट पूरा इसलिए नहीं खुला क्योंकि मेरा गाड़ी में अभी फ्लिकर लगाया हुआ है, तो वायरिंग पूरा खोलना पड़ता। तो हम लोग को बस यहाँ पे दो जो नट है यहीं पे काम है हम लोग का, क्योंकि यहीं इसी जगह पे हम लोग क्लेम्प जो है वो इंस्टॉल करेंगे, मतलब क्लेम्प जो है वहीं फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो क्लेम्प है यहीं पे लगेगा नीचे से, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा छोटा है, छोटा ही बनाना, तो यहाँ पे ये फिट हो जाएगा ये साइड से नीचे से। तो आपको दिखाते हैं इसको लगा के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्लेम्प को अच्छे से टाइट कर दिए हैं, और अच्छे से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, दाएँ बाएँ कर सकते हो। तो बट अभी हम लोग फॉगलाइट को इंस्टॉल करते हैं, उसका देखते हैं इसको एडजस्ट करेंगे उसके बाद लगाने के बाद। तो आप इसको हेडलाइट को लगा देते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो ये रहा फॉगलाइट वाला जो बॉक्स है, और इस अभी आप फॉगलाइट निकाल के दिखा रहे हैं आपको, ये रहा।
दो क्लेम भी है इसके साथ में। नट है इसका, हेडलाइट वाला नट है। तो चलिए अभी लगा के दिखा रहे हैं आपको। तो देख सकते हैं दोनों क्लेम्प है, वो जो फॉग लाइट के साथ मिलता है वो हम लोगों ने लगा दिया। अब फॉग लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं। The next day. तो जैसा कि आप लोगों ने कल देख लिया था, गाड़ी जो फॉग लाइट इंस्टॉल कर रहे थे वो काम अधूरा रह गया था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम हो चुका था और अनिल को थोड़ा काम था घर पे, इसलिए काम को वहीं पे रोक दिए थे। तो आज काम को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये देख रहे हैं फिर से हेडलाइट खोल दिए हैं। एक फॉग लाइट तो हम लोग कल लगा चुके थे जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था, आप दूसरा वाला यहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं। फॉग लाइट भी लेके आ रहा है और स्विच भी आपको स्विच दिखा रहे हैं। तो ये रहा स्विच, और स्विच का प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। अभी हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, हमको तो यहाँ पे इसको सेट करने खोज रहे हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, सामने रहेगा यहाँ पे, वरना कहीं और देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हम लोग का जो फॉग लाइट कनेक्शन वो हो चुका है और अभी आपको बताएंगे। और अभी हम लोग क्या हुआ कि पीछे जो बैक लाइट है तो इसको बैक लाइट को भी हम लोग अभी मॉड किए हैं। इसमें अभी फ्लिकर जो है हम जो मंगवाए थे जो DRL में लगाए हैं, आपको मेरे जो पिछले वीडियो में आपको दिख गया वो DRL में जो फ्लिकर इंस्टॉल किए थे वो ही इंस्टॉल किए थे। तो अभी आपको दिखाते हैं फ्लिकर जो हम कनेक्ट किए हैं वो यहाँ पर बैकलाइट के जो जो आता है बैकलाइट वाला वायर, उसी से हम फ्लिकर को कनेक्ट किए। ये फ्लिकर वाला स्विच यहाँ पे, और इसको देख सकते हो जो फ्लिकर में जो दो ऑप्शन दिया हुआ, एक LED लिखा हुआ यहाँ पे और इधर दिया हुआ है 12 वोल्ट। LED का वाला जो लिखा हुआ ऊपर में वो बैकलाइट के कनेक्शन तरफ जाएगा, और जो 12 वोल्ट लिखा हुआ है वोल्ट वो मतलब इधर से करंट सप्लाई आ रहा है बैकलाइट का, वो उधर रहेगा। ठीक है, तो आपको दिखा दे रहे हैं जो यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक ब्लैक में गया है, रेड रेड में गया है। और ये हम कपलर को निकाल दिए हैं, और जो ब्लू वाला है उसको छेड़छाड़ नहीं करना, बीच वाला है उसको कुछ नहीं करना, उसको बस एज इट इज़ रहने देना है। तो इसका जो फ्लिकर है वो बैकलाइट में भी इंस्टॉल हो गया, और फॉग लाइट भी आपको दिखा दिए। तो फॉग लाइट का कनेक्शन आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग का जो फॉग लाइट है वो इंस्टॉल हो चुका है, आपको वायरिंग बता देते हैं। तो फॉग लाइट से देखिए तीन वायर निकलता है, पहला है रेड है, येलो है और ब्लैक है। तो रेड वाला जो है वो जाएगा एक स्विच के अंदर जाएगा ब्लैक के साथ ना। हाँ, जो फॉग लाइट से बताओ रेड वाला वायर जो है फॉग लाइट का, ये जो दोनों रेड कलर का वायर जो है ये दोनों को अटैच करके एक स्विच का हम लोग ये ब्लैक कलर से लगाए हैं देखिए। एंड ये येलो कलर का जो वायर है हम लोग का फॉग लाइट का, दोनों साइड को अटैच करके ये हम लोग स्विच का एक ये हरा कलर में लगा दिए। ठीक है, ये दो वायर हम लोग का कम्प्लीट हो गया, और एक जो बचा है फॉग लाइट का ब्लैक वाला वायर एक दूसरे को अटैच करके देखिए यहाँ पीछे से ले गए हैं और उसको सीधा दिए हैं पीछे में अर्थिंग। और एक ये बच गया रेड कलर का वायर जो कि हम लोग का सीधा गया है मेन पॉजिटिव टर्मिनल में पीछे बैकलाइट में, दिखाइए। तो यहाँ पे आया है रेड वाला जो आपको बताए थे, बैकलाइट में हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं पॉजिटिव में ना, यहाँ पे लगा हुआ है अर्थिंग यहाँ पे दे दिए। वायरिंग हो गया हम लोग, तो वायरिंग हो गया कम्प्लीट, और अब हेडलाइट में इंस्टॉल करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग का जो है HJG फॉग लाइट वो इंस्टॉल हो चुका है, आपको दिखा रहे हैं ये रहा। तो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दिए, देख रहे हैं हिल भी नहीं रहा है, इसको अभी एडजस्ट करना होगा। अभी तो अंधेरा होगा तो पता चलेगा कि किधर ऊपर करना है कि नीचे करना है तो पता चलेगा। तो इसका स्विच हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, ये रहा यहाँ पे है 2-way स्विच, और इस स्विच का हम लोग को पड़ गया है 100 रुपये के आसपास, ये बोल रहा है 200 रुपये, बट हम इसको 100 रुपये में कर दें हैं। चाइनीज पता नहीं कितना देर चलेगा, कितना दिन चलेगा, 1-8 महीना चल जाए भाई बहुत बड़ा बात। तो देखते हैं कितना दिन चल रहा है। ये लोग अपना जो स्विच लगाए वो 200 रुपये में खरीदा है, पर हम ये 90 रुपये में खरीदें। और अभी आपको दिखा रहे हैं इसको जला के, तो अभी आपको दिखा रहे हैं अपना जो है फॉग लाइट का थ्रो। तो अभी देख सकते हैं ये पूरा लाइट है फिर भी आपको दिखा रहे हैं, और ये रहा येलो, ये वाइट और येलो। तो और बैक लाइट भी दिखा रहे हैं, ये रहा लिंक कर रहे हैं। बहुत सारा मोड है, 4-5 मोड है, तो अभी थोड़ा फास्ट किया हुआ है, ये रहा फास्ट किया हुआ भी, तो इसलिए ऐसा ब्लिंक कर रहा है। बैकलाइट देखो, बैकलाइट ब्रेक को प्रेस करोगे तो लाइट जलेगा, यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रेक वाला लाइट है, और ये जो नॉर्मल जो बैकलाइट दिया होता है पार्किंग वाला वो ब्लिंक करता है। ब्रेक दबाने से भी वो ब्रेक वाला भी लाइट जलता है, चल रहा है। तो रात में बड़ी अच्छे से पता चलेगा, अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और जलाओ तो फिर से, ये रहा येलो वाइट, वाइट
ये जो फॉग लाइट है, ये फॉग लाइट को हम लोग को पड़ गया था 1200 रुपया, और ये जो है स्विच इसका 90 रुपये पड़ा, और ये जो फ्लिकर जो हमने बैकलाइट वाले इंस्टॉल किए हैं इसका पड़ गया था हमको 100 रुपये। तो आप लोगों ने देख लिया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो गाइज देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा है और थोड़ा थोड़ा लाइट जल रहा है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि नाइट में इसका किस तरह से इसका ब्राइटनेस है फॉग लाइट का। तो अभी ऑन करते हैं बाइक को, तो देख सकते हो अभी सिर्फ DRL चला हुआ है, तो अभी सिर्फ DRL है और अभी इसका जो फॉग लाइट है वो आपको जला के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हेडलाइट का लाइट दिखाते हैं अभी। तो ये रहा जो स्टॉक में जो मतलब हेडलाइट है वो इसका लाइट है, और ये लो भी है और ये हाई है, एक लो और हाई। और अभी हम जो है इसका फॉग लाइट है वो ऑन करके दिखा रहे हैं आपको। ये रहा येलो वाला, येलो में देख सकते कितना ज़्यादा लाइट है, तो हम ऑफ करिए फिर दिखा रहे हैं। देखिए तो गाइस अभी देख सकते हैं पूरा अंधेरा है और अभी सिर्फ हेडलाइट जला है गाड़ी का, कुछ फॉग लाइट हम ऑन नहीं किए हैं, और अभी ये लो भी में हेडलाइट का और ये हाई भी में। तो अभी हम जो है प्रोजेक्टर वो ऑन करते हैं, मिनी जो HJG फॉग लाइट है वो अभी लो बीम में दिखा रहा है आपको। ये रहा लो बीम जो येल्लो जलता है, और हाई बीम अभी वाइट जलेगा। तो अभी लो बीम का देख सकते हैं किस तरह से ब्राइटनेस है, और अभी हाई बीम दिखा रहे हैं आपको। तो ये रहा हाई बीम, और हाई बीम में देखिए कितना दूर तक जा रहा है, और दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि मेरा दोस्त अभी पीछे बैठा हुआ है। अभी सिंगल हो जाएंगे तो थोड़ा कम सामने गिरेगा लाइट, तो अभी थोड़ा दूर जा रहा है क्योंकि पीछे बैठा हुआ लोड है। तो फिर देख सकते हैं वाइट है पूरा, एकदम दूर तक जा रहा है, एकदम यहाँ से आगे आपको बोर्ड दिख रहा है, चमक रहा है। तो बहुत दूर तक इसका मतलब शो जा रहा है, और मतलब ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है। फिर से लो करके दिखा रहे हैं, ये रहा लो, लो में भी बहुत बढ़िया है, येल्लो में जो फॉग में चलने के लिए बहुत अच्छा है ये। चलिए लाइट का रिस्पांस आप लोगों ने देख लिया, तो देख सकते हो सामने से किस तरह से आ रहा है, DRL जल रहा है और नीचे येलो फॉग लाइट ये रहा। तो ये रहा येलो जल रहा है, अभी वाइट करके दिखाते हैं आपको। तो ये रहा गाइस वाइट, और DRL भी मस्त लग रहा है एकदम। तो येलो में जब DRL जल रहा है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है।